एक गाइस वेलकम बैक टू शुगर डैडी के एक और वीडियो में। तो भी आज हम बात करने वाले हैं कुत्ते के बारे में। जी हाँ, अब हम जानवरों को भी रोस्ट करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं भाई एक ऐसे कुत्ते के बारे में जिसको जहाँ मुफाद नजर आता है वो साइड पे मुंह करके भोंकना शुरू कर देना है। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शमीर अब्बास शाह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, हमने इस बगैरत की लेनी तो नहीं थी, लेकिन कल इसने लगाई एक बहुत बड़ी यकी और इसने ये वाली वीडियो अपलोड कर दी, वो भी डक्की भाई के खिलाफ। तो भाई ये बंदा इतना घबरा कोई यासीन का सामना नहीं यार। पहले भी एक दफा ये डक्की के ऊपर एक एक्सपोज वीडियो बना चुका है, पर भाई इसको इतना हेट मिला कि भाई दुम दुम आके भागा ये डक्की के घर और जाके कहने लगे कि भाई हम तो दोस्त है। कैसा लगा मेरा मजाक? पर वही ना भाई, शाम को अपनी आदत से बात आता है, जैसे ही पता लगा कि भाई डक्की के ऊपर अब हार्ड टाइम आया, इसकी वीडियो वगैरह लीक हो गई है, व्यूज मिल सकते हैं, तो इसके ऊपर ये वाली वीडियो बना दी। और यकीन मानो भाई, इसकी पूरी वीडियो में कोई एविडेंस, कोई पॉइंटफुल बात, कोई कुछ नहीं है यार, कोई चक्कर ही नहीं है, बस व्यूज खाने के बहाने हैं। और भाई तो ये देख के मुझे बोली कहावत याद आ गई कि जिनके अपने घर शीशे के हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। जब इस पे एनी एक तारे की अपनी पोमो में दुबाते की वीडियो लीक हो गई थी ना, तो भाई आगे पिटता है नेट पे। उनको शर्म नहीं है, उनके घर बार माँ बहन नहीं है, उन्होंने मीम्स के पेज बनाए हुए हैं, खुसरों की तरह पीछे छुप के दूसरों की वीडियो पोस्ट करते हैं। और तो हाँ भाई, अपने टाइम पे कह रहा है कि भैया तुम लोग पागल हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती यार, तुम लोग मीम्स बना रहे हो उसके ऊपर, और भैंचो तो अपने चैनल पे बैठ के डक्की भाई के ऊपर मीम्स दिखा रहा है। मैंने लीक की है, मुझे दो 10 लाख। अच्छा जी, लिंक दे दे भाई। अगर तो भाई जो डक्की के साथ हुआ तो उसको कर्मा कह रहा ना, तो सोच भाई तेरे लिए अपना कैसा कर्मा तैयार हो रहा होगा। और भाई जब इसकी वीडियो लीक हुई थी, इसकी ओरिजिनल वीडियो जिसमें ये खुद था, बजाते खुद था, वो वाली वीडियो लीक हुई थी, डक्की का तो ये सीन भी नहीं था यार, तो एडिटिंग वगैरह वाला सिस्टम था, तब डक्की एक रोस्टर था, पर फिर भी उसने इसके ऊपर एक रोस्ट वीडियो नहीं बनाई। रोस्ट वीडियो तो छोड़ो भाई, उसने एक बात तक नहीं की यार इसके ऊपर। खैर भाई, सजा तो उसको तब से मिल चुकी है भाई, इसका चैनल तब से डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हुआ, तक डाउनफॉल की तरफ ही जा रहा है। और तो और भाई मैं हैरान हूँ यार, इसको शर्म ही नहीं आती यार, अपनी वीडियो में कह रहा है कि यार चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर ना करो यार, ये खत्म करो इस चीज को, शेयर ना करो बिल्कुल। और जो वीडियो वाला सीन हुआ इसके साथ, जो उसकी वाइफ की जो वीडियोस लोग बना रहे हैं, बहुत गलत बात है। और अब इसका जरा अपना थंबनेल देखो यार, किसी वल्गर एक्ट्रेस के ऊपर रूप जदोई की फोटो लगाई हुई है। तो भैया सीधी बात है ना, हम किसी के टट्टू नहीं है, जो सच बात है वो है। अब जरा इसके कुछ पॉइंट्स के ऊपर नजर डालते हैं, और इसका एक पॉइंट इसने बिल्कुल ठीक कह के कि भाई साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे अपनी वाइफ को साथ बिठा के एक फेक AI वीडियो की बात की है, जिसका 90% ऑडियंस को नहीं पता था, भाई साहब ने उनको भी बता दिया है। तो ये बात भाई बिल्कुल हकीकत है यार, डक्की ने ये वीडियो डाल के ना खुद इस बात को और ज्यादा बढ़ावा दिया। अगर पहले 1% लोग इस बारे में जानते थे, तो 100% लोग जानते हैं। और जैसा कि डक्की भाई खुद अपने पार्ट में ये कह चुका है, एक निकम्मे यूट्यूबर से पीस ऑफ एडवाइस ले लो, जिस चीज को आप चाहते हो ना कि वो चीज वायरल ना हो, उसके बारे में बात नहीं करते। तो भाई मेरे, उस एडवाइस को अपने ऊपर भी तो लागू करके देखना था ना। खैर भाई, जो सीधी बात है, तो मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ यार कि डक्की ने भाई ये व्यूज के लिए, पैसों के लिए किया या फिर क्या वाकई उसे गलती हो गई है। क्योंकि भाई ये बात सिर्फ बच्चों और जवानों तक नहीं फैली, बल्कि बड़ौदा की फैल गई हुई, काफी ज्यादा न्यूज चैनल ने भी ये बात कवर की है। यानी कि भाई जहाँ पे नेट दस्तयाब नहीं है ना, वहाँ पे भी लोगों को पता कि एक डक्की भैया है वो यूट्यूबर, उसकी बीवी की नंगी वीडियो लीक हो गई है। और जैसा कि भाई जब इसने वीडियो अपलोड की थी, मैंने उसी टाइम पे कह दिया था कि यार इसने सबसे बड़ी गलती ये की है कि कम से कम इसी वीडियो के ऊपर इसको अपना एड रेवेन्यू ऑफ रखना चाहिए था यार। सीधा सीधा लोगों की टेंशन आ रही है कि पैसे के लिए कर रहे हैं या फेम के लिए कर रहे हैं। लेने को भाई मैं भी डक्की के ले सकता था यार, रोशन आ रहा सारे ब्लॉगर्स के ऊपर, इसके ऊपर भी बनाना था, बट नहीं भैया, अगले की मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहा मैं। खैर भाई, यहाँ मैं करूँ वीडियो को एंड, आपके सोशल इस बारे में ये कमेंट में ला दें, ताना वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, लाजमी कर देना बेल आइकन दबा देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।